हेलो माय लवली बेकर्स तो गाइस नवंबर आ गया है और इस सीजन में जो फ्लावर्स जो फूल खिलते हैं वो भी अब खिलने लगे हैं सुंदर सुंदर कलर्स के तो मैंने सोचा केक का ऑर्डर आया ही है तो क्यों ना इस सीजन में जो फ्लावर्स आ रहे हैं उनको लेकर के केक की डेकोरेशन की जाए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी केक की डेकोरेशन में डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर बनाना सिखाया था और काफी लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने रिक्वेस्ट की मैम और भी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर बनाना सिखाइए तो जब भी कोई मेरे पास ऐसा खिखा ऑर्डर आता है ना जिसमें कोई डिजाइन फिक्स नहीं होता मेरे ऊपर चॉइस होती है तो मैं सोचती हुए कुछ नया उसमें ट्राई करूँ अपने पिछले वीडियो से कुछ अलग हट करके आपके लिए लाऊं तो बस उसी कोशिश में आज ये केक की डेकोरेशन है तो यहाँ पर मैंने सिंपल वनीला फ्लेवर केक स्पॉन्च रेडी किया था आइसिंग कर ली है बीच में मैंने इसमें मिक्स फ्रूट का क्रश डाला था तीन लेयर कट की थी और व्हाइट कलर की क्रीम से ही इसकी आइसिंग की है और अब मैंने स्क्रैपर लिया है और ऊपर की तरफ मैं इसके ये पैटर्न बना रही हूँ इससे क्या है जिक्जैक्ट पैटर्न बन जाएगा और ये ना हो आपके पास तो आप किसी भी विजिटिंग कार्ड या एटीएम कार्ड को जिक्स कट करके उससे बना सकते हैं नहीं तो ब्रश है तो उससे बना सकते हैं किचन में कोई भी टूल हो उसको टैप करके भी आप ये पैटर्न बना सकते हैं तो ऊपर भी बना दिया मैंने और इसी तरह टेबल को रोटेट करके साइड में भी हमने ये पैटर्न बना लिया है तो देखिए केक की आइसिंग हो गई है अब मैंने ली है लाइट पिंक कलर की क्रीम पाइपिंग बैग में उसमें लगाया है छोटे वाले साइज का सनफ्लावर नोजल ये नॉर्मल जो सनफ्लावर नोजल होता है ना नूर का 15 उससे छोटे साइज का नोजल है और इससे पत्तियां बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स और इस अकेले एक नोजल से आप काफी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ला करके जैसे कि आज मैं बना रही हूं तो मैंने क्या किया है थोड़ा सा बेस बनाया है क्रीम का और अब अंदर से कुछ ऐसी पत्तियां बनाएंगे जो अंदर की तरफ बेंड हो मतलब नोजल से पत्तियां खींचते हुए आप थोड़ा अंदर की तरफ बेंड कर लीजिएगा तो एक राउंड मैंने अंदर की तरफ पत्तियां बनाई है दूसरे राउंड में मैंने सीधी स्ट्रेट बनाई है और अब तीसरे राउंड में मैं पत्तियों को थोड़ा बाहर की तरफ बना रही हूँ ये देखिए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पत्तियां बंद हैं कुछ खिलने वाली हैं और कुछ जो बाहर की है वो खिल चुकी है तो बस फ्लावर नेल को आपको रोटेट करते जाना है और एक एक करके पत्तियों को बनाते जाना है और यहाँ पर कुछ पत्ती अगर आपसे बड़ी हो गई ना फ्रेंड्स तो वो बेंड हो जाएगी तो उसको आप रिमूव कर दे ये देखिए बस जैसे पत्तियां होती हैं फ्लावर में प्रॉपर अरेंजमेंट से होती हैं कि हर जगह एक जैसी बटी हुई होती है बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है और धीरे धीरे आप इस फ्लावर को बड़ा करते जाइएगा और इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर टिप देती हूँ जो नीचे बेस बनाया ना आपने वो थोड़ा अच्छा बनाइएगा थोड़ा बड़ा बनाइएगा जिससे फ्लार जो है होल्ड हो जाए तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल साइज का फ्लावर बनाऊंगी क्योंकि मेरा केक जो है वो आधा के का है बट आपको इससे भी बड़ा अगर डहलिया का फ्लार बनाना हो ना तो इतना फ्लार बना के आप केक पर प्लेस कर दे, और फिर उसके बाद केक पर ही डायरेक्ट कुछ पत्तियां और बना जिससे कि आपका ये जो फ्लावर है वो और बड़ा हो जाएगा अगर आप फ्लावर नेल पर खूब बड़ा फ्लावर बनाने की कोशिश करेंगे ना फ्रेंड्स तो वो गिर पड़ेगा बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से तो वो ना करें ये बहुत ही जरूरी टिप है क्योंकि मैंने इसे करके देखा था मैं सक्सेसफुल नहीं हुई अब मैंने क्या किया है सेम उसी क्रीम से ही थोड़ा सा एक बेस बना दिया है फ्लावर को प्लेस करने के लिए और अब सीजर की मदद से हम इसे उठाएंगे और बस ये जो बेस बनाया है ना हमने पिंक कलर की क्रीम का उस पर इसे प्लेस कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस और है मैं एक और फ्लावर बनाऊंगी तो यहाँ पर देखिए पहले बेस बनाना है अच्छा खासा हमें और फिर अंदर से कुछ पत्तियां बेंड होती हुई फिर कुछ स्ट्रेट बनाएंगे और फिर कुछ बाहर की तरफ तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा आपका डहलिया का फ्लावर बन जाएगा और अभी मैं इस पर शेडिंग भी करूंगी क्योंकि आपने देखा होगा डहलिया के फ्लावर्स में कुछ अलग अलग कलर की शेडिंग होती है तो वो हम प्रॉपर इस पर करेंगे पहले इस फ्लावर को बना लेते हैं तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपने एक अलग ही तरीके का फ्लावर बनाना सीखा मैंने अपने पिछले वीडियो में पॉपी फ्लावर बनाना सिखाया है क्रिजेंदम बनाना सिखाया है हिबिस्कस बनाना सिखाया है गेंदे के फ्लावर को रोज के फ्लावर को बहुत सारे मैंने डिफरेंट फ्लावर बनाने सिखाए हैं और ये फ्लावर रह रहा था तो मैंने सोचा इसको भी बनाया जाए और अभी मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में ना आपको सनफ्लावर बड़ा सारा केक के ऊपर बनाना सिखाऊंगी तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और यहाँ पर देखे पत्तियां तो हमने अच्छे से बना दी हैं फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा है मैं प्रॉपर आपको दिखा रही हूँ कहीं भी मैंने कट नहीं किया है सो देट आप कोई भी पार्ट इसका मिस ना करें और अब सीजर की मदद से इसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो लग रहा है ना फ्रेंड्स एकदम सुंदर सा ओरिजिनल फ्लावर साइड में आप इसकी पिक देख सकते हैं ओरिजिनल फ्लावर की अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन कलर की क्रीम ली है और आप पे ग्रीन कलर ज्यादा ना हो ना तो फ्रेंड्स आप पे कोई भी बची उसमें ग्रीन और येलो कलर डाल दीजिए आपका बहुत प्यारा शेड बन जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर बची हुई ग्रीन कलर की क्रीम थी उसी में मैंने एक ड्रॉप ग्रीन कलर डाला है एक ड्रॉप येलो भी डाला है थोड़ा सा इसको मुझे पैरट ग्रीन शेड में बनाना है इसलिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे और पाइपिंग बैग में ना फ्रेंड्स वी कट देना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है सीजर से पहले तिरछा कट मारना है इस तरीके से फिर पाइपिंग बैग को फ्लिप कर देना है और दूसरी साइड से ही मारना है कोशिश कीजिए दोनों कट्स आपके बराबर हो और बस इसके अंदर क्रीम भर लेंगे इससे फ्रेंड्स आप बिना नोजल के होते हुए भी बहुत सुंदर पत्तियां डिफरेंट टाइप्स की ग्रास घास को सब बना सकते हैं तो लीजिए पाइपिंग बैग रेडी है मैं आपको इससे डिजाइन बना करके दिखाती हूँ पैलेट नाइफ पर ये देखिए सीधा बनाएंगे तो पत्ती अलग बनेगी थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए वाइब्रेशन देते हुए बनाएंगे तो पत्ती में बहुत प्यारी सलवटे सी आएंगी जो कि एकदम तो ओरिजिनल पत्ती जैसी लगेंगी और यहाँ पर देखिए मैं छोटे छोटे पत्ते भी आपको बना करके दिखा देती हूँ ये देखिए और आगे पीछे या दाएं बाएं करने से बॉर्डर भी बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं तो चॉइस आपकी आप कैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं बॉर्डर पे बनाना चाहते हैं ऊपर बनाना चाहते हैं ये देखिए तो पत्तियां अभी बाद में बनाएंगे फ्रेंड्स पहले थोड़ी सी इन फ्लावर्स में डिटेलिंग कर लेते हैं तो मैंने थोड़ी ही लगभग एक टेबल स्पून येलो कलर की क्रीम बनाई है पाइपिंग बैग में उसमें छोटा सा कट किया है और जैसे फ्लावर के सेंटर में कुछ येलो और ब्राउन कलर के बीड्स होते हैं ना वो बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ तो बस जहां पर पत्तियां हमारी खिली नहीं थी ना कम कम थी मतलब अंदर की तरफ बंद थी वहीं पर मैं छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ तो फ्लावर में थोड़ी सी ओरिजिनल लुक आ जाएगी अब मैंने लिया है फ्रेंड्स मेटेलिक रेड कलर का फूड स्प्रे और अब इनकी कुछ पत्तियों पे हम रेड कलर स्प्रे कर देंगे जैसे कि ओरिजिनल डहलिया फ्लावर में होती है तो बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं करना बहुत ध्यान से आपको ये काम करना है वैसे मुझे बाद में ध्यान आया ये चीज मुझे फ्लावर नेल के ऊपर ही स्प्रे करके करनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर केक पर भी स्प्रे जा सकता है बट मैंने बहुत ध्यान से किया है आप डायरेक्ट फ्लावर नेल पर ही कर लीजिएगा अब हम बनाएंगे पत्ते फ्रेंड्स तो जहां पर हमने फ्लावर रखा है ना फ्रेंड्स उसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो क्रीम पर रखे हुए फ्लावर्स हमें कुछ दिख रहे होंगे और वो थोड़े अजीब से लगते हैं तो उस चीज को आपको कवर करना होगा तो वो कवर आप इन पत्तों से कर सकते हैं ये देखिए कहीं भी अब आप आपको लगेगा नहीं मैंने फ्लावर कहां पर प्लेस किया है जहां भी दिख रहे थे वहां मैंने ये थोड़े से वाइब्रेशन देते हुए पत्ते बना लिए ये देखिए और ये जो डहलिया फ्लावर होता है ना फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल ऐसे ही पत्ते होते हैं थोड़े से जैसे मैं बना रही हूँ इसी साइज के होते हैं चारों तरफ मैंने पत्तों से इसे कवर कर दिया है ये देखिए कहीं तो लग रहा है आपको कम है तो आप और भी बना सकते हैं अब फ्रेंड्स सेम वही नौजल है पिंक कलर की क्रीम वाला मैं क्या कर रही हूँ नीचे की तरफ एक लंबी सी स्ट्रिप इससे बना देंगे इस तरीके से देखिए जस्ट आपको रोटेट करना है कुछ भी वाइब्रेट नहीं करना जहां से शुरू किया है वहीं पर एंड करना है और हल्की ही क्रीम थी पर्ल वाला बॉर्डर भी बना सकते हैं बट मैंने सोचा कुछ और नया ट्राई करते हैं अब लेंगे एक छोटे साइज का पैलेट नाइफ आपके पास ये ना हो तो स्पून भी ले सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ ना स्ट्रोक मारते हुए हम डिजाइन बनाएंगे ये देखिए काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज में भी ये डिजाइन शेयर किया है तो दोबारा से आप देख लीजिए बस नीचे से आपको ऊपर की तरफ हल्का सा स्वच्छ करना है बहुत गहरा मार्क नहीं मारना नहीं मारना तो फ्रेंड्स क्रीम उखड़ जाएगी आपकी हल्के हल्के हाथ से आपको ये स्ट्रोक देने हैं और इसको करने के बाद फ्रेंड्स बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो आप क्या कीजिए पैलेट नाइफ से इसे क्लीन कर लीजिए या फिर किसी कपड़े के अंदर पैलेट नाइफ डाल करके ना इस तरीके से क्लीन करेंगे तो काफी आसानी से ये हो जाएगा देखिए कितने सुंदर हमारे ये डहलिया के फ्लावर लग रहे हैं फ्रेंड्स आप डिफरेंट शेड्स में इन्हें बना सकते हैं अब जो केक के इस तरफ व्हाइट कलर की स्पेस दिख रही है वहां पर मैं कुछ ये पर्ल्स लगा दूंगी तो जो केक का साइज है उस हिसाब से मैंने ये मीडियम साइज के लिए हैं आप छोटे छोटे भी डाल सकते हैं गोल्डन कलर के बीड्स यहाँ मुझे कुछ अलग लग रहे थे तो मैंने व्हाइट वाले बीड्स लिए हैं और कितना सुंदर केक लग रहा है ना फ्रेंड्स केवल दो फ्लारी हमने बनाए हैं बहुत ज्यादा अगर हम फ्लार्स बना देंगे ना तो केक उतना हाईलाइट नहीं होगा और ये केक मैं किसी की एनिवर्सरी के लिए बना रही थी तो ब्लैक कलर का टैग था बहुत ही सुंदर था तो मैंने उसे साइड में रख दिया है और अब मैं करूंगी अपना सिल्वर इस पर स्प्रे और इस स्प्रे के बारे में फ्रेंड्स बहुत लोग पूछ रहे हैं तो मैंने एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना करके पोस्ट कर दिया है नहीं तो आप ताराम डायरीज पर भी देख सकते हैं कैसे इसे फिल करना है ये क्या है कितने का मिलेगा वो सब उसमें बताया है और यहाँ पर मैं फ्लावर्स के ऊपर पत्तों के ऊपर केक जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है वहां पर नीचे बॉर्डर पर सभी जगह इस पर स्प्रे कर दूंगी और ये बहुत ही सस्ता आता है फ्रेंड्स मतलब इस केक पर मानेंगे नहीं आप एक चुटकी ही लगेगा बट वो इतने अच्छे से फैल जाता है कि केक की लुक ही बदल देता है और एक मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की बटरफ्लाई भी लगाऊंगी मेरे को ऐसी दिख गई तो मैंने कहा लाओ आज ये भी लगा देते हैं अदरवाइज केक वैसे भी सुंदर लग रहा है तो लीजिए डहलिया फ्लावर वाला हमारे इस सीजन के फ्रेश फूलों वाला केक रेडी है आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और टैग कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने उसे उठा करके फ्रंट की साइड में लगाया है और इस तरीके के फ्लावर्स ना फ्रेंड्स मैं पहली बार बना रही थी तो डर रही थी कि पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा बट फाइनली अच्छा ही बनाया है और केक भी सुंदर लग रहा है तो आई होप आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे डेली व्लॉग्स देखना चाहते हैं मेरे रील्स एंजॉय करना चाहते हैं जो मैं घर में बच्चों के संग मस्ती करती हूँ उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा सभी की आई तारा मधु की रसोई के नाम से ही है तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए कुछ नया नया फिर से लाऊंगी तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड कीप ट्राइंग एंड कीप कीपे